ये है पोको C50, जिसकी कीमत होने वाली है 10,000 के अंदर अंदर, ये अंदाजा लगाया जा रहा है। और आपको बता दूं, ये सक्सेसर है पोको C40 का, और जो ये सी सीरीज है ये बजट सीरीज रहती है पोको की तरफ से, बहुत अच्छी ऑफरिंग रहती है इसमें। लेकिन जो अभी अनुमान लगाया जा रहा है वो ये है कि ये रीब्रांडेड वर्जन होने वाला है, रीब्रांडेड वेरिएंट होने वाला है रेडमी A1 का, जो अभी कुछ टाइम पहले लॉन्च हुआ था, और उसकी कीमत जो है वो 6,500 रुपए के आसपास है। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि जो अभी इसके एस्टिमेट प्राइस लगाया जा रहा है वो ये है कि वो 10,000 के आसपास होने वाला है, और जबकि A1 जो है वो 6,500 रुपए का फोन है। तो इसमें क्या अलग आने वाला है वो मैं जान लेता हूँ, वो मैं बता देता हूँ आपको। अभी तक फोन डब्बा खोला भी नहीं है, आपके सामने लाइव से अनबॉक्स कर रहा हूँ, और देखते हैं इसमें क्या क्या हाइलाइट्स हैं। तो यहाँ पर आपको मिलने वाली है 6.5 इंचेस की डिस्प्ले, फिंगरप्रिंट सेंसर, 5000 एमएच की बैटरी है, 10 वॉट का चार्जर इनबॉक्स मिलेगा, और 8 मेगापिक्सल का डुअल रेयर कैमरा सेटअप है। मीडियाटेक हीलियो A22 पे रन करता है, 5 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा है। मोटा मोटा सब कुछ वैसा ही है जैसा रेडमी A1 में है, लेकिन जो एक मोटा फर्क यहाँ देखने को मिला है वो ये है कि ये 3GB वाला वेरियंट है, जबकि रेडमी A1 सिर्फ 2GB के वेरियंट में आता है। तो क्या सिर्फ वेरियंट का फर्क ही इस फोन का ओवरऑल फर्क है? बॉक्स को खोल लेते हैं और देख लेते हैं। फोन को रखते हैं साइड, बॉक्स के अंदर क्या है? बॉक्स के अंदर आपको सिम इजेक्शन पिन मिल जाती है यहाँ पर, और पैकिंग थोड़ी सी अलग है, जनरली ऐसी पैकिंग देखने को नहीं मिलती जिसमें इतने चांद तारे गोला वोला मिले देखने को, ऐसा नहीं होता जनरली। और आपको मिलती है एक माइक्रो USB केबल टाइप ए, तो माइक्रो USB है, तो 2022 में जब स्टैंडर्ड कर रहे हैं टाइप सी, अभी यहाँ पर माइक्रो USB मिलेगी, तो आपको अगले कुछ टाइम तक इसी से काम चलाना पड़ेगा। एक चार्जर है 10 वॉट का, चलो अभी बजट में चार्जर मिलना बहुत अच्छी चीज़ है, सब लोग उड़ा रहे हैं चार्जर, लेकिन यहाँ पे आपको मिलता है चार्जर, और एक मैनुअल है, और बॉक्स में कुछ नहीं। फोन खोल के देख लेते हैं, और खोलते ही आपको गेस करना है कि क्या ये रेडमी A1 है। यस, ये रेडमी A1 ही है, वैसे मैं अंदाजा लगा रहा था, बट ये एग्जैक्टली रेडमी A1 दिख रहा है भाई, झूठ नहीं बोल रहा। यहाँ पर इसका 8 मेगापिक्सल का डुअल कैमरा सेटअप है, LED फ्लैश है यहाँ पर आपको लेदर लाइक फिनिश मिलती है, जैसी एग्जैक्टली रेडमी A1 में मिलती है। लेकिन अब मैं ज्यादा रेडमी A1 की बात नहीं करूंगा, बात करते हैं पोको C50 की। सो नीचे आपको माइक्रो USB पोर्ट मिल जाता है, यहाँ पर हेडफोन जैक मिल जाता है, और साथ माइक्रोफोन है यहाँ पर, यहाँ पर सिम ट्रे मिल जाती है, सिम ट्रे भी देख लेते हैं लगे हाथ। क्या आपको यहाँ पर डेडिकेटेड SD कार्ड स्लॉट मिलता है? जी हाँ, आपको ट्रिपल स्लॉट मिलते हैं यहाँ पर, तो आपके पास एक SD कार्ड स्लॉट है और 2 सिम स्लॉट हैं, तो आप 2 सिम लगा सकते हैं। मगर एक चीज़ बता दूँ आपको, ये 5G नहीं है, आपको 4G सिम्स यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं, वोल्टी का सपोर्ट ज़रूर बेशक आपको यहाँ मिल जाता है। टॉप पर स्पीकर है यहाँ पर, और जो बेसिकली इसी का एक एक्सटेंडेड वर्जन रहता है, ताकि थोड़ी सी आवाज़ यहाँ से निकल जाए, सेकेंडरी स्पीकर का आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस मिल जाए। यहाँ पे ओवरऑल वॉल्यूम रॉकर और इसका पावर अनलॉक बटन है। फ़ोन को मैं बूट कर रहा हूँ प्लग, तो बात कर लेते हैं सबसे पहले डिस्प्ले की। फ़ोन बूट अप हो चुका है, तो यहाँ पर मिलने वाली आपको 6.52 इंचेस की HD+ डिस्प्ले, LCD पैनल है, ज़्यादा ब्राइट ये नहीं हो पाएगी, लेकिन ब्राइटनेस ठीक ठाक है। मुझे पता है बजट के नीचे बहुत ज़्यादा लोग फ़ोन्स को इस्तेमाल नहीं करते हैं, आपके एल्डरली लोग ही इस फोन को इस्तेमाल करेंगे, या अगर आप एक सेकेंडरी फोन की तरह से यूज़ करने वाले हैं, तो बहुत ही तगड़ा विजुअल एक्सपीरियंस आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। UI मुझे काफ़ी सही लग रही है अभी तक, एंड्रॉयड 12 इसमें आपको इन द बॉक्स मिल जाता है आउट ऑफ द बॉक्स। और अगर इस डिस्प्ले की बात करें, तो इस डिस्प्ले पर कुछ कॉन्टेंट भी प्ले करके देख लेते हैं। थोड़ा सा फ़ोन मुझे स्लगिश लग रहा है, थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि टाइम लगा रहा है रिस्पॉन्स करने में। ओके, तो YouTube पर आप 1080 पिक्सल तक जा सकते हो, और यहाँ पर रेजोल्यूशन मैंने 1080 पे सेट करा हुआ है, और ब्राइटनेस जो है ये मैक्स ब्राइटनेस है, तो मैक्स डॉट ब्राइटनेस पर अभी इस वक्त हम इस वीडियो को देख रहे हैं, तो उतना ब्राइट मैं इस डिस्प्ले को नहीं बोलूँगा, आपको शायद से कुछ नज़र आ रहा होगा। तो ठीक है, ऑडियो जो है वो भी फर्स्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से ठीक ठाक ऑडियो एक्सपीरियंस यहाँ पे मिल रहा है आपको, थोड़ा सा मफल्ड साउंड है बट ठीक है। तो डिस्प्ले आपको दिखा दी मैंने, साउंड नॉट में दिखा दिया, जल्दी से कैमरा की बात कर लेते हैं। तो कैमरा यहाँ पर 8 मेगापिक्सल का डुअल कैमरा सेटअप मिलने वाला है बैक में, और फ्रंट में है 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। तो जल्दी से मैं कुछ इंडोर फोटोज़ लेके देख लेता हूँ, ये इंडोर लाइटिंग में फोटोज़ हैं, आर्टिफिशियल लाइटिंग में फोटोज़ हैं, तो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, कुछ सेल्फीज़ भी ले लेते हैं। एक तो मुझे पसंद नहीं आता ये ब्यूटी मोड, तो ये है कुछ कैमरा सैम्पल्स। ये है इसका फ्रंट 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, बट एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि आर्टिफिशियल लाइटिंग के बावजूद भी चेहरे की शार्पनेस है वो काफ़ी अच्छे से मेंटेन करी है इसके फ्रंट कैमरा ने। बहुत ही बजट लेवल का फ़ोन है, बहुत ही एंट्री लेवल का फ़ोन है, लेकिन सेल्फी कैमरा को मैं थम्स अप दूंगा इस बजट में, काफ़ी अच्छे से स्किन टोन को मैच कर रखा है, जो बहुत रेयर है इस बजट के फ़ोन से। अगली चीज़ है इसका बैक कैमरा से मैंने फ़ोटो ली हुई है,
यहाँ पर अभी आउटपुट ठीक ठाक ही बना। ये है इसके बैक कैमरा से एक नॉर्मल फोटो। आप एक चीज़ देखोगे, कलर्स बहुत अच्छे से इसने मेंटेन किए हुए हैं, तो इसका एक डिटेल्ड रिव्यू आगे करेंगे, लेकिन अभी मैं फर्स्ट इंप्रेशन में कैमरा को अच्छा बोलूंगा। एक एंट्री लेवल के हिसाब से ये अच्छा डिसेंट आउटपुट आपको ऑफर कर रहा है। बहुत ज्यादा मैं कैमरा पे अभी बात नहीं कर सकता क्योंकि ये फर्स्ट इंप्रेशन और अनबॉक्सिंग है। अब बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस की। तो यहाँ पर मिलता है आपको MediaTek Helio A22 जो कि एक 4G चिपसेट है, तो आप 5G इस फोन पर इंजॉय नहीं कर पाओगे, जबकि ज्यादातर शहरों में 5G ऑलरेडी रोल आउट हो चुका है। जियो आ चुका है, एयरटेल का आ चुका है, लेकिन वोडाफोन का नहीं आया, और अगर आ भी गया तो आप इस पर इंजॉय नहीं कर सकते। खैर, बजट में मेरे ख्याल से एक बहुत ज़्यादा नीड है इस वक्त एक 5G फ़ोन की, और मैं देख रहा हूँ कि 15,000 के नीचे 5G फ़ोन ढूंढना बहुत ही बड़ा टास्क है। एक दो फोन्स हैं जो अवेलेबल हैं। अगर आप भी 15,000 के नीचे एक 5G फ़ोन ढूंढ रहे हो और आपको बहुत मिल ही नहीं रहा है मतलब, तो आप मुझे कमेंट्स बता सकते हो। अगर गेमिंग परफॉर्मेंस की बात करें तो आप यहाँ पर बहुत अच्छी गेमिंग परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। एंट्री लेवल का फ़ोन है, बजट में ये चिपसेट आपको बेसिक काम जो है वो करके दे देगा, चाहे व्हाट्सएप यूज़ करें, यूट्यूब इस्तेमाल करें, ये सब आप इस पर आराम से कर सकते हैं। हाँ, बहुत लाइट गेमिंग करते हो, कैंडी क्रश हो गया या टेम्पल रन हो गया, चला लोगे, चल जाएगी, इस पर कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बैटरी की। तो यहाँ मिलती है आपको 5000 mAh की बैटरी और 10 वॉट का एक चार्जर। अब इस चार्जर से इसको अंदाजन चार्ज होने में 2 से 2.5 घंटे आराम से लग जाएंगे, क्योंकि 10 वॉट की चार्जिंग बहुत ज्यादा फास्ट चार्जिंग नहीं है, एवरेज स्पीड चार्जर साथ में मिल रहा है आपको। बैटरी की अगर बात करें तो क्योंकि ये बहुत ही लाइट फोन है, बहुत ही स्पेक हेवी फोन नहीं है, और मैं अभी एक अंदाजा लगा रहा हूँ कि ये आपको आराम से 1.5 से 2 दिन का बैकअप दे देगा इस बैटरी साइज की, क्योंकि बहुत बड़ा रेजोल्यूशन नहीं है डिस्प्ले का और बेसिक सा एंट्री लेवल का फोन है, बड़ी बैटरी है, तो 2 दिन फोन आराम से चल सकता है। बट डिटेल्ड में जो बात होगी वो डिटेल्ड रिव्यू में होगी, लेकिन अभी मैं जो है थोड़े से अंदाजे लगा रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस से, तो 2 दिन आपका फोन ही चल जाएगा। तो बात करते हैं कि क्या ये फोन एक वर्थ इट फोन है, वैल्यू फॉर मनी फोन है। तो सवाल ये है कि रेडमी ने इसको रीब्रांड करके पोको C50 नाम से क्यों उतारा, जबकि रेडमी के अंदर ये A1 ऑलरेडी मार्केट में था। तो ऐसा नहीं है कि पोको ये पहली बार कर रहा है या रेडमी ऐसा पहली बार कर रहा है, ऐसे बहुत सारे फोन के साथ पहले हो चुका है, जैसे कि पोको X4। तो एक सिंगल प्रोडक्ट को 2 अलग अलग ब्रांड से बेचना एक बहुत स्मार्ट वे है, और यहाँ पर एक चीज जो अलग करी गई है ये बस उसका एक दूसरा वेरियंट है विद अ बिगर रैम। यहाँ पर 3GB की रैम है, रेडमी A1 में 2GB की रैम है, बट ओवरऑल फोन एग्जैक्टली सेम है। मैं आपको कभी इसका साइड बाय साइड कंपैरिजन भी दिखा दूंगा। तो मेरे हिसाब से अगर ये फोन 10,000 के अंदर आ रहा है, मतलब अगर वो A1 जो है वो 6,500 रुपये का फोन है, तो ये मेरे ख्याल से 7,500 से 8,000 रुपये के अंदर होने वाला है फोन, और उस प्राइस पर मैं डेफिनेटली इसको एक अच्छा फोन बोलूंगा, और आप इस फोन के साथ जा सकते हैं, मगर आप इस पर 5G इंजॉय नहीं कर सकते। और मेरे ख्याल से अभी 5G इस प्राइस रेंज के अंदर अवेलेबल भी नहीं है, या तो आपको वेट करना पड़ेगा किसी ऐसे फ़ोन का जो 5G के साथ आए इस बजट के अंदर, जो मेरे ख्याल से अभी तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि ऐसा कोई चिपसेट अभी आया नहीं है। तो आपको इस फोन का रिव्यू कैसा लगा, ये फोन कैसा लगा, मुझे कमेंट्स में बताना। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप देख रहे थे गोविंद को जागरण हाईटेक पर, मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तो सब्सक्राइब कर लें।